हेलो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिनों पहले ये गुलदावरी की कटिंग लगा दी। इस पर कुछ लीफ तो नहीं आई क्योंकि जगह ही नहीं है लीफ आने की। शायद इसमें रूट आ गई हो, बहुत ही दिन हो गए हैं, देखते हैं आज। वाओ, ये देखो फ्रेंड्स, कितनी अच्छी रूट आई हुई है। अब इसके ऊपर से तो कुछ लीफ आने की जगह नहीं है, तो शायद ये रूट्स में से ये कुछ लीफ निकलेगी और तभी शायद ये बढ़ पाएगा, बड़ा हो पाएगा। और ये देखिए, मैं वापस इसे लगा देता हूँ। रूट तो बहुत अच्छी आ गई है, और ना ही मैंने इसमें कोई रूटिंग हार्मोन लगाया और ना ही इसमें कुछ मैंने यूज़ किया। ये बिल्कुल सिंपल मिट्टी है जिसमें ये लगा हुआ है, और रूट देखिए कितने अच्छे हैं। ये सिर्फ 1 महीना, 1 महीना हो गया, ऊपर से इसकी लीफ आने की कोई जगह नहीं है। इसलिए देखो, ये नीचे से ही अपने रूट्स निकाल के और उनमें से ही कुछ नोड एरिया निकाल के ही ऊपर की ओर आएगा। और फ्रेंड्स, मैंने एक और देसी गुलाब की कटिंग लगाई है, इसको भी बहुत दिन हो गए हैं। इसमें मुझे लगता है कि पहले इसमें रूट्स आई हैं, फिर बाद में इसमें लीफ आई हैं। आज देखते हैं, चलो आपके सामने क्या रिजल्ट है। बहुत दिन हो गए हैं, आपके सामने देखते हैं। मुझे सब्र नहीं हुआ क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। मुझे लगता है कि आ गए होंगे। ये देसी रोज की कटिंग है। वाओ, ये देखिए, इसमें ये देखो रूट्स निकल गई है, और ये देखो नीचे से एक और शूट्स निकल रही है। इसके भी रिजल्ट अच्छे ही हैं, बट इतने अच्छे नहीं आए। एक ही रूट्स निकलिया, पर इससे ही मुझे सब्र हो गया। देखने में अच्छा लग रहा है, ये देखिए उसमें नोड एरिया भी फूट गए हैं और अब ये ग्रीन हो जाए। बस फ्रेंड्स, आपको ये दिखाना चाहता था। देखिए आप, रूट्स और एक ये नोड एरिया भी। ओके फ्रेंड्स, बाय।